नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत स्वागत है। इंडिया टीवी पर 22 के सबसे बड़े चुनाव की क्लियर पिक्चर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश चुनाव पर इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल ने बहुत बड़े संकेत दिए हैं। सबसे पहले आपको यूपी के सबसे बड़े ओपिनियन पोल की 10 बड़ी बातें बता दें। पहली बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ इस वक्त भी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। अखिलेश यादव दूसरे नंबर पर हैं। ओपिनियन पोल में योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी लीड भी हासिल कर रखी है। ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल की दूसरी बड़ी बात जान लीजिए, 2022 में यूपी में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की वापसी के पूरे पूरे आसार हैं। लगातार दूसरी बार यूपी का मुख्यमंत्री बनकर योगी आदित्यनाथ इस बार एक इतिहास रच सकते हैं। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो की ओपिनियन पोल में बीजेपी प्लस को 230 से 235 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की सीटें करीब 90 सीटें घट रही हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की बनती दिख रही है। चौथी बड़ी बात, यूपी के सबसे बड़े गढ़ पूर्वांचल में गन्ना भी चल रहा है, जिन्ना का मुद्दा भी चल रहा है। पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वांचल में बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ता है और सीटें भी बढ़ती हैं। ओपिनियन पोल की पांचवी बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सीट जीत रहे हैं, यह तय है। वाराणसी में मोदी की लहर दिख रही है। छठी बड़ी बात, अयोध्या में राम मंदिर का भी कमाल चल रहा है, बीजेपी अयोध्या में बड़ी जीत हासिल करेगी। सातवीं बड़ी बात, बुंदेलखंड में योगी आदित्यनाथ का मैजिक बरकरार है। पिछली बार बुंदेलखंड से क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार 19 में से 17 सीटें जीत सकती है, ऐसा हमारे सर्वे में दिखता है। ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल की आठवीं बड़ी बात जान लीजिए, वोट शेयर बढ़ने के बावजूद समाजवादी पार्टी रेस से बाहर होती दिख रही है। नौवीं बात, 22 में मायावती का जादू पूरी तरीके से फ्लॉप दिख रहा है। और दसवीं बड़ी बात, 2017 में यूपी में 7 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार 5 पर आकर लुढ़कती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश पर सबसे बड़े ओपिनियन पोल की पूरी डिटेल देखेंगे तो यूपी की चॉइस अगले 15 मिनट में आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यूपी में योगी फिर आ रहे हैं, इसकी बम्पर दस्तक उत्तर प्रदेश में हुए सबसे बड़े ओपिनियन पोल से मिल रही है। यूपी में योगी फिर सरकार बना सकते हैं और पूरे बहुमत के साथ बना सकते हैं। ग्राउंड जीरो के ओपिनियन पोल में बीजेपी 230 से 235 सीट जीत सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 160 से 165 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीट मिल सकती है। बीएसपी का इससे भी बुरा हाल, उसके खाते में भी 5 सीट से ज्यादा आना मुश्किल है, जबकि 1 से 3 सीट अन्य पार्टियां या आजाद उम्मीदवारों को मिल सकती हैं। ये ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल का रिजल्ट है। अब ये किसके लिए गुड न्यूज है और किसके लिए बैड न्यूज हो सकती है, ओपिनियन पोल का नतीजा आपके सामने है। बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना सकती है उत्तर प्रदेश में, ये इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च के सर्वे का नतीजा है। भले ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की काफी कम हो रही हैं, ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च के मुताबिक एक बार फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सपा गठबंधन को 160 से 165 सीटें मिल सकती है और बाकी लड़ाई में और कोई दल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी 230 से 235 कंफर्टेबल मेजोरिटी से आप कह लेंगे, लेकिन 325 पर थी सहयोगियों के साथ 2017 में, याद रखिएगा, वहां से घटकर 230-235 हो सकती है। ओपिनियन पोल में यूपी के लोग ऐसा रिजल्ट क्यों दे रहे हैं? योगी आदित्यनाथ एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। किसान किसके साथ खड़े हैं? पिछड़ा वर्ग कहां वोट कर सकता है? क्या दलित मायावती के साथ है या मुसलमान सिर्फ अखिलेश को वोट करेगा, या फिर क्या ब्राह्मण वोट योगी से छिटकेगा या फिर जाट बीजेपी की तरफ फिर से रुख करेगा? इसके लिए देखते हैं कि पहले चरण वाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट क्या कहती है। पश्चिमी यूपी के 21 जिले में 97 सीटें हैं और यहां शुरुआत के 2 चरणों में वोट पड़ जाएंगे। अब 97 सीटों में से बीजेपी को 59 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं हमारे सर्वे के मुताबिक, 97 में से 59। अब ये पिछली 2017 की तुलना में कैसा परफॉर्मेंस है हम आपको वो दिखाएंगे अभी जब कंपैरिजन करेंगे। समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी को 37 सीटें, मैं फिर कह रहा हूं 97 टोटल सीटें हैं, उसमें से 37 समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी उनके सहयोगियों को।
और बहुजन समाज पार्टी को यहां केवल एक सीट हासिल होगी, ऐसा फिलहाल जो हमारा सर्वे है वो इशारा कर रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जोर नहीं चल रहा और कांग्रेस का तो यहां पर खाता भी खुलता दिखाई नहीं देता अभी तक जो हमारा सर्वे इशारा कर रहा है उसके मुताबिक। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी कॉम्बिनेशन, उसके बाद समाजवादी पार्टी प्लस आरएलडी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी। हालांकि कोई तुलना नहीं है क्योंकि बीजेपी प्लस है 59 पर, सपा प्लस है 37 पर, बसपा को केवल एक सीट और बाकी कांग्रेस और अन्य में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, यह हमारे सोशियोलॉजिस्ट का आंकलन बताता है। अब आप ये कंपैरिजन देखें तो पिछली बार 2017 में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली, 82 सीटें 97 में से यहां जीती थी, वो इस बार काफी घट रही हैं, वो 59 पर आ रही हैं, यानी 23 सीटों का नुकसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सपा और आरएलडी का साथ आना कितना बड़ा कमाल करता है आप ये देखिए कि 9 सीट से जो समाजवादी पार्टी खेली थी 9 सीट से वो कॉम्बिनेशन में जब आती है तो 37 सीट पर पहुंच जाती है। आप देखिए इतना बड़ा उछाल 28 सीटों का पश्चिम उत्तर प्रदेश में अकेले अकेले गठबंधन को होता हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा ने पहले भी बहुत कमाल नहीं किया था, इस बार भी नहीं, पिछली बार 3 सीटें मिली थी, इस बार 1 सीट मिलती हुई दिखाई जा रही है इस सर्वे के अंदर आपको। और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करें तो पिछली बार 2 सीटें आई थी यहां से, लेकिन वो भी इस बार छिनती हुई दिख रही है, ऐसा मुमकिन है। और अन्य के खाते में देखें तो 1 सीट थी पिछली बार, इस बार 1 भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो बीजेपी प्लस माइनस 23, सपा प्लस प्लस 28, बीएसपी माइनस 2, कांग्रेस माइनस 2। मोटे तौर पर देखिए बीजेपी को 23 का नुकसान, सपा को 28 का फायदा, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट तो नहीं लग रहा, लेकिन इस रीजन में सबसे बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को होता नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अखिलेश को होने वाले फायदे में बीजेपी को वोट भी हो सकते हैं और बीएसपी का नुकसान भी, लेकिन इसके बावजूद योगी नंबर 1 पर बने हुए हैं। आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है, कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री शीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। पश्चिमी यूपी में अखिलेश को जो फायदा हो सकता है उसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, क्योंकि 2017 में दोनों पार्टियां अलग चुनाव लड़ी थी, इस बार दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी वजह से जाट और मुस्लिम वोट भी समाजवादी पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये संकेत पहले से मिल रहे हैं कि मुस्लिम वोट का बीएसपी की तरफ झुकाव नहीं है और वो एक मुश्त समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है। यूपी के ओपिनियन पोल से एक बात क्लियर है कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन बड़ा असर दिखा सकता है। कानून व्यवस्था में सुधार से पश्चिमी यूपी के वोटर्स खुश हैं। ध्रुवीकरण और समाजवादी पार्टी लोक दल गठबंधन का समीकरण भी मुद्दा हो सकता है। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। आज मैं श्री अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो किसानों के जन्मजात दुश्मन हैं, उनके कुछ बयान पढ़ रहा था। उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा कि वो किसानों के बड़े हितैषी हैं, अगर वह हितैषी होते तो उनके शासनकाल में किसानों के हित में कोई काम तो हुआ होता। उनकी सरकार के समय में गन्ना का भुगतान तक नहीं होता था, मेरे किसानों की फसल सूख जाती थी, बिजली नहीं आती थी, मेरे किसानों की फसल किसी आपदा में बर्बाद हो जाए तो 2-2 साल तक मुआवजा भी नहीं मिलता था। और वह किस मुंह से किसान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पहली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम किया।
योगी आदित्यनाथ कैसे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं? ये हुआ कैसे? क्या फैक्टर है? लोगों की पसंद क्या है? पश्चिमी यूपी के बाद अब देखिए रुहेलखंड का मूड क्या है, जहां यूपी के 9 जिले हैं और विधानसभा की 52 सीट है। सीट की हम सीधी बात कर लेते हैं, सीट की स्थिति क्या है। रुहेलखंड में 52 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 22 सीटें यानी 22 प्लस अपर एज आप देख सकते हैं सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को 29 सीटें मिल सकती हैं, 29 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस महज एक सीट, बीएसपी खाता भी नहीं खोलेगी। तो इन दो पार्टियों की स्थिति तो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या रुहेलखंड हो, दोनों ही जगह बुरी नजर आ रही है। आइए कंपैरिजन हम कर लेते हैं 2017-2022 के, दोनों के आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। 2017 में जहां पर 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने रुहेलखंड में जीती थी, ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार 22 सीटें आप देखिए घटी हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी ने 14 सीटें जीती थी, तो ओपिनियन पोल के मुताबिक बढ़ा है सपा प्लस, अब 29 सीटों पर जीती दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फायदा समाजवादी पार्टी गठबंधन उनके सहयोगियों को मिल रहा है, सीधा सीधा 15 सीटों का फायदा। जितनी बीजेपी से घट रही है उतनी समाजवादी पार्टी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो 17 की तरह ही 2022 में रुहेलखंड में अगर हम बीएसपी और कांग्रेस की पार्टी की बात करें तो 1-0 तो दूसरी 1 सीट। पश्चिमी यूपी की ही तरह रुहेलखंड में भी सामाजिक समीकरण और ध्रुवीकरण बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। ओपिनियन पोल में जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उसमें शुरुआती रिपोर्ट देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार कौन बना सकता है, किसको कितनी सीट मिल सकती है, किसको बहुमत मिल सकता है, या रिजल्ट त्रिशंकु वाला होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, इसे लेकर भी ओपिनियन पोल में लोगों से अलग अलग सवाल पूछे गए। इसलिए अब देखिए कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर के नाम पर यूपी की पसंद क्या है। ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल में लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा योगी आदित्यनाथ पर जताया है। योगी आदित्यनाथ को 38% से ज्यादा लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पहला लीडर बताया है। दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव 31% लोगों की पसंद है। मायावती को 12.5% लोग सीएम देखना चाहते हैं। प्रियंका गांधी के समर्थन में तो 10% से भी कम लोग मिले। 38.42% लोगों की पसंद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर अभी भी बने हुए हैं। सबसे आगे सबसे ज्यादा लोग पसंद योगी आदित्यनाथ को कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा नहीं कि बहुत पीछे हैं, वो 48.5% के जवाब में योगी के 31.5% पर हैं। अंतर है 7% के करीब का अंतर है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है। गैप आपको दिखेगा अखिलेश के बाद जब आप मायावती जी की बात करेंगे तब आपको दिखाई देगा। मायावती 12.5% लोगों को मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतर चेहरा नजर आती है, और प्रियंका गांधी वाड्रा 8.30% लोगों को मुख्यमंत्री के तौर पर उनका होना समझ में आ पाता है। तो मुख्यमंत्री के चेहरे की अगर आप बात करें तो योगी आदित्यनाथ 1 पसंद है, 2 पर अखिलेश यादव, बहुत पीछे नहीं। ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल में अब स्टेट लीडरशिप को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ दिख रही है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी से मुख्यमंत्री को लेकर लाइन साफ है, जबकि प्रियंका को लेकर ये बात भी क्लियर नहीं है, और इस बात को योगी भी जानते हैं। सीएम की रेस में बाकी नेताओं से आगे हैं। लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था, इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। अब देखिए 2022 में यूपी चुनाव में सबसे अहम इलाके अवध से क्या रिपोर्ट आ रही है। खेरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, शास्वती, बहराइच, अंबेडकर नगर और फैजाबाद, ये वो इलाके हैं जो 111 सीटों का सबसे दिलचस्प, सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। इन तमाम सीटों पर किसकी लहर दिखाई दे रही है, मोदी योगी की लहर की जो बात चल रही थी कि क्या वाकई में वो कोई फैक्टर है या नहीं, किसानों का मुद्दा यहां पर कितना काम करेगा, हिंदू मुस्लिम क्या डिवीजन यहां पर है। अवध रीजन ऐसा इलाका है जहां 18 जिलों में 111 सीटें हैं और इसमें लखनऊ से लेकर अयोध्या तक की अहम सीट शामिल है। अवध में अब जरा सीटों की बात कर लें।
हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां 111 में से 68 सीटों पर आगे रह सकती है। भाजपा कॉम्बिनेशन को 68 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है 111 में से। इसका कंपैरिजन आपको हम 2017 से बस आपसे थोड़ी देर में दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 111 में से 42 सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो जो वोट शेयर में देखा था, नंबर एक पर थी भाजपा, तो सीटें भी ज्यादा, और बसपा सपा उसके बाद। बसपा को कोई सीट यहां नहीं जीतती दिखती और कांग्रेस पार्टी एक सीट निकाल सकती है। इंटरेस्टिंग होगा, हमारे साथी बताएंगे कि एक सीट ये कौन सी हो सकती है जहां पर कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई जा रही है। तो यह है आपके सामने सीटों का, अवध की 111 सीटों का ट्रेंड हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक। अब देखिए किसको कितना फायदा और कितना नुकसान 2017 की तुलना में अवध में होता हुआ दिखाई देता है। बीजेपी 92 से 68 पर आ रही है, अच्छा खासा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को अवध में हो रहा है। 92 से घटकर वो 68 पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो और सपा की आप बात करें, जाहिर तौर पर गेन होगा और अच्छा खासा गेन है, 10 सीटों से बढ़कर 42 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कॉम्बिनेशन जा सकता है। तो भाजपा को नुकसान, समाजवादी पार्टी को सीटों में काफी बढ़त। बहुजन समाज पार्टी भारी नुकसान झेलेगी, यहां पर 6 सीट थी पहले इस रीजन से, इस बार खाता खुलना मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान, 3 सीट थी पहले और ओपिनियन पोल हमारा बता रहा है कि इस बार एक सीट कांग्रेस पार्टी यहां से जीत सकती है। ये कांग्रेस पार्टी का ग्राफ दिखा रहा है और अन्य शून्य था पहले भी और इस बार शून्य। एक बात आप गौर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर उतना नहीं गिर रहा, केवल 1% वोट शेयर गिर रहा है, लेकिन सीटों में 24 सीटों का नुकसान हो रहा है। अवध के इलाके में बीजेपी का होल्ड मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो के रिसर्च ओपिनियन पोल में अवध में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। मंदिर मुद्दे का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। सड़कें भी इस बार बड़ा चुनावी फैक्टर है। अवध के बाद आपको बुंदेलखंड का ओपिनियन पोल दिखाएं, उससे पहले आप देखिए कि इस पूरे ओपिनियन पोल का स्ट्रक्चर क्या रहा। यूपी चुनाव के सबसे सटीक विश्लेषण के लिए इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम ने यूपी के अलग अलग इलाकों के वोटर्स का मूड जाना। 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच 10,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई। इसके लिए यूपी के 5 रीजन की 73 विधानसभा सीटों में इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम पहुंची। के एनालिसिस के लिए हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश को 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा। अब वो 5 हिस्से कौन से, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 97, रोहिलखंड की 52, अवध की 111, बुंदेलखंड की 19 और पूर्वांचल की 124 सीटों तक हम लोग पहुंचे और वहां पर वोटर का मूड भापने की कोशिश हुई। अब देखिए 73 सीटों का ओपिनियन पोल हम सबसे पहले आपके सामने रखने वाले हैं। 73 सीटों में सबसे पहले बात बुंदेलखंड की अगर हम करें, अवध के रीजन की बात करें, पूर्वांचल रीजन की बात करें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये पूरा देखिए उत्तर प्रदेश का मैप आपके सामने और कहां कितनी सीटों तक हमने ये सर्वे किया और किन सवालों के साथ पहुंचे, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। अब इस तरह जब यूपी के लोगों से उनके मुद्दे जाने तो पता चला कि करीब 38% वोटर सबसे बड़ी समस्या आवारा जानवर को मानते हैं, जिनसे फसलों को नुकसान हो रहा है। 23% ने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। करीब 11% बेरोजगारी को लेकर परेशान है। 7.5% लोगों के लिए खराब सड़कें मुद्दा है। सिर्फ 4.5% भ्रष्टाचार से ज्यादा परेशान है। 2.25% लोगों के लिए बिजली मुद्दा है। सिर्फ 2.25% के लिए कानून व्यवस्था मुद्दा है। जबकि 0.5% से भी कम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा को अपने लिस्ट में रखा है। इस इश्यू बेस्ड ओपिनियन पोल को समझें तो योगी की रिपोर्ट कहती है कि सड़कें, करप्शन, बिजली और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लोगों की शिकायतें 10% से भी कम है, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और आवारा मवेशी उनके लिए चुनावी मुद्दा हैं। पश्चिमी यूपी, अवध और रुहेलखंड के बाद अब बारी बुंदेलखंड की ओपिनियन पोल की। फिर कहूंगा अनुमान है हमारे सर्वे के, 19 सीटों में से बीजेपी 17 सीटें यहां से निकाल सकती है, यह हमारा सर्वे कह रहा है। इतने अनुपात में इतना स्ट्राइक रेट अभी तक किसी क्षेत्र में बीजेपी का हमारे सर्वे में दिखाई नहीं दिया और सपा बाकी बची 2 सीटें,
तो 17 यहां बुंदेलखंड में बीजेपी को जाती दिखाई दे रही है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को, बसपा को कोई सीट नहीं, कांग्रेस को कोई सीट नहीं और अन्य को भी कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका हम लबालुबाब समझते हैं कि आखिर यहां पर ये लगभग 90-95% का स्ट्राइक रेट कैसे है, अगर देखें वोट शेयर गिर रहा है उसके मुताबिक भी। एक बार कंपैरिजन भी देख लेते हैं शशि, फिर मैं आता हूं आपके पास। कंपेयर कर लीजिए आप इसको पिछली बार की तुलना में इस बार, तो आप देखेंगे पिछली बार 100% सीटें यहां की, 19 की 19 सीटें जिस रीजन में हमने डिवाइड किया इसको बुंदेलखंड को 19 सीटों में वो जीती थी, वो घटकर 2 हो रही हैं। तो 2 सीटों का नुकसान बुंदेलखंड की 19 सीटों में से होता हुआ दिखाई देता है और बसपा 2 सीटें अपने लिए बढ़ा लेती। तो जहां पर 100% स्ट्राइक रेट था बसपा का, माफ कीजिएगा भाजपा का, वो थोड़ा सा घटता है, 19 की बजाय 17 सीटों पर जीत होती हुई दिखाई देती है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां भाजपा ने बहुत हद तक अपना बचाव कर लिया है, यहां बढ़ने का स्कोप था नहीं, घटने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आप कंपैरिजन में आप देख लें, बीजेपी को 2 सीट का नुकसान, सपा को 2 सीट का फायदा। अवध की तरह बुंदेलखंड में भी बीजेपी को अपने 5 साल के काम का फायदा मिलता दिख रहा है। सड़कों से लोग खुश हैं, कोरोना के वक्त सरकार की तरफ से बांटा जा रहा अनाज बीजेपी को फायदा दे रहा है। इलाके में बीजेपी के मजबूत जातिगत समीकरण है, लेकिन सिंचाई और पानी की समस्या यहां बड़ा सियासी मुद्दा है। आज मैं श्री अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो किसानों के जन्मजात दुश्मन हैं, उनके कुछ बयान पढ़ रहा था। उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा कि वो किसानों के बड़े हितैषी हैं, अगर वो हितैषी होते तो उनके शासनकाल में किसानों के हित में कोई काम तो हुआ होता। उनकी सरकार के समय में गन्ना का भुगतान तक नहीं होता था, मेरे किसानों की फसल सूख जाती थी, बिजली नहीं आती थी, मेरे किसानों की फसल किसी आपदा में बर्बाद हो जाए तो 2-2 साल तक मुआवजा भी नहीं मिलता था। और वह किस मुंह से किसान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पहली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम किया। ये सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बैठते हैं। इनकी नीति है कि जो भी योजना बने उस योजना का 15% तो जिनके लिए योजना बनती उन तक जाए, बाकी 85% या बेईमान या भ्रष्ट दलाल खा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर लगाम लगाने का काम किया है। हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का 1.5 लाख करोड़ रुपया का भुगतान किया। जब ये सत्ता में थे इन्होंने वह भुगतान को बकाया छोड़ने का काम किया था, लेकिन हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी से उस काम को समझते हुए किसान की कोई समस्या ना हो इस बात को ध्यान में रख के भुगतान कराने का काम किया। बुंदेलखंड के बाद अब देखिए यूपी के सबसे अहम हिस्से पूर्वांचल का ओपिनियन पोल क्या कहता है। पूर्वांचल इस वक्त वो जगह है जहां पश्चिमी यूपी के बाद हर पार्टी की नजर बनी हुई है। राजनीतिक रूप से ये इस वक्त सबसे हॉट रीजन बना हुआ है। पूर्वांचल के 20 जिलों में टोटल 124 विधानसभा सीट है। तो पूर्वांचल की सीटें अब खुल चुकी हैं। पूर्वांचल की 124 सीटों में से बीजेपी 66 सीटें जीत सकती है, आधी सीटें लगभग मानिए। सपा 51 सीटें जीत सकती है, बीजेपी 66 सपा 51। ऊपर की टैली पर नजर रखिएगा, बदलता ही पूरा ट्रेंड आ जाएगा आपके सामने। बसपा केवल 2 सीट हासिल करेगी ऐसा हमारा अनुमान है पूर्वांचल की 124 सीटों में से, और कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीत सकती है, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को जा सकती हैं ऐसा हमें लगता है। और अन्य के खाते में देखते हैं 2 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें पूर्वांचल से जा सकती हैं। तो इसके साथ ही आप देखें पूर्वांचल का ये पिटारा हमारा खुल गया है ओपिनियन पोल का। 124 में से 66 बीजेपी, 51 सपा, 2 बसपा, 3 कांग्रेस और 2 अन्य। पूर्वांचल बहुमत वाले आंकड़े को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये बात बीजेपी पर भी लागू होती है और समाजवादी पार्टी के लिए भी। एक तरफ अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी से गठबंधन किया है, तो पूर्वांचल में वो ओबीसी वोट को समाजवादी पार्टी में कम बैक चाहते। लेकिन 2017 में पूर्वांचल बीजेपी का गढ़ बनकर उभरा था। इसकी बड़ी वजह प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र वाराणसी है, तो गोरखपुर और आसपास योगी का असर कहा जाता है। इसलिए पूर्वांचल में बड़ा मुद्दा मोदी और योगी भी है। पूर्वांचल अपना दल प्लस निषाद के होने से भी बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। क्षेत्रीय दलों से अखिलेश के गठबंधन भी चौंका सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर यहां भी बड़ा मुद्दा है, सड़क और बिजली की स्थिति भी बड़ा फैक्टर है।
तो इस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर रोहिलखंड, बुंदेलखंड और अवध से लेकर पूर्वांचल तक यूपी की रिपोर्ट में बीजेपी हर तरफ आगे दिख रही है। लेकिन उसको इस बार समाजवादी पार्टी से मजबूत टक्कर भी मिल रही है। लेकिन इंतजार अब 10 फरवरी का है, जब यूपी के पहले फेज की वोटिंग शुरू होगी और फिर देखना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत ओपनिंग कौन कर रहा है और फिर क्लाइमेक्स पूर्वांचल में होगा और यही दोनों इलाके हैं जो इस पूरे चुनाव को पलट सकते हैं। योगी और अखिलेश की किस्मत इन्हीं दो इलाकों में बंद होगी। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी इस वक्त सबसे आगे चल रही है वो भी कह रही है कि आएंगे तो योगी ही, समाजवादी पार्टी जो दूसरे नंबर पर चल रही है वो कहती है आएंगे तो अखिलेश यादव ही, कांग्रेस जो तीसरे नंबर पर है उसका भी नारा है कि यूपी में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। लेकिन ऐसा क्या है कि यूपी में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही वापस आते दिखते हैं? ओपिनियन पोल में ऐसा क्यों दिख रहा है कि योगी फिर सरकार बनाएंगे? योगी आदित्यनाथ कहां भारी अंतर से जीतते दिखते हैं, कहां बीजेपी कमजोर नजर आती है, कहां अखिलेश यादव को बंपर कामयाबी मिलती दिखती है और कहां उनकी जमीन खिसकती जाती है? ऐसा क्या हो गया है कि उत्तर प्रदेश में लड़ तो 5 दल रहे हैं लेकिन आमने सामने का मुकाबला सिर्फ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का हो गया? योगी में ऐसा क्या है, यूपी में योगी ही क्यों आ रहे हैं, इसका पूरा एनालिसिस देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में योगी रिटर्न्स, यूपी में बीजेपी रिटर्न्स, यूपी में विकास रिटर्न्स, लॉ एंड ऑर्डर रिटर्न्स, ओपिनियन पोल का निचोड़ कहता है आएंगे तो योगी। यूपी की जनता मजबूत सरकार चाहती है, कानून व्यवस्था सख्त चाहती है, बदमाशों पर बुलडोजर वाली योगी की दमदार इमेज चाहती है। गाजियाबाद से गोरखपुर तक बीजेपी की बढ़त यही कहानी बयान करती है। यह हम नहीं कह रहे, इंडिया टीवी के लिए ग्राउंड जीरो रिसर्च का ओपिनियन पोल डंके की चोट पर यह कहानी कह रहा है। सबसे अधिक मुद्दा किसान कानून को बनाया गया, इसको भुनाने की पूरी कोशिश आखिरी दम तक जारी है, जबकि सरकार ने किसान कानून कब का वापस ले लिया। प्रधानमंत्री ने कहा हमारी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी, मगर योगी की तपस्या जारी है। जब कोविड की तीसरी लहर के दावे किए जा रहे हैं, सीएम योगी नगर नगर और डगर डगर घूम रहे हैं। पार्टी ने उन्हें उनके गृह नगर गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ने का आदेश दिया है, मगर योगी पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद में नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने पूरी कोशिश की कोरोना के नाम पर योगी सरकार पर कीचड़ उछालने की, वही योगी जनता को भरोसा दिलाते घूम रहे हैं मैं हूं ना। थर्ड वेव आएगी और आशंका व्यक्त की थी कि जो सेकेंड वेव की तुलना में ज्यादा खतरनाक होगी, वह बेहतरीन कोविड प्रबंधन के माध्यम से न केवल देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह नियंत्रित रही। जीवन और जीविका को महामारी के दौरान कैसे बचाया जाना चाहिए, इस मॉडल को खड़ा करने में देश को भी प्रदेश को भी सफलता प्राप्त हुई। मगर इस बार बीजेपी के लिए किसान आंदोलन बड़ी चुनौती बनकर आया है। हमने पहले ही कहा कि अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस तक इसे भुनाने की कोशिश में हैं। अब तो अखिलेश यादव अन्न संकल्प भी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के इलाके से आया सिख उन्हें अन्न संकल्प दिलवाता है। मगर सवाल यह है कि यूपी में सिख किसानों का संख्या बल क्या है? तराई के कुछ जिलों के अलावा सिख कहीं बड़ा वोट बैंक नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सिख समुदाय की कुल आबादी ही करीब 6.5 लाख है। इनमें वे सिख भी हैं जो राज्य के बड़े शहरों के मूल निवासी हैं। अखिलेश यादव किसानों के हक में बड़े बड़े दावे करते हैं, मुफ्त बिजली और बीमा पेंशन तक की बात करते हैं। गन्ना किसानों के लिए अलग से फंड, 15 दिनों के भीतर गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड और MSP, 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा, किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें
और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। मगर सवाल ये है कि अखिलेश के इन दावों से बदलेगा क्या? क्या पश्चिमी यूपी के किसान अखिलेश के दौर में हुआ मुजफ्फरनगर भूल गए हैं? मत भूलिए कि यह हिंसा गांवों तक उतर गई थी, यह जख्म अब तक नहीं भरा। इस देश में किसान गांवों में बसता है, इसलिए किसान आंदोलन के बाद भी ओपिनियन पोल कहता है कि माहौल बीजेपी के एकदम खिलाफ नहीं है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा नुकसान दिखता है, मगर बीजेपी का यह नुकसान अकेले समाजवादी पार्टी का गेन नहीं है। इसमें आरएलडी के जयंत चौधरी से जाट वोटरों की सहानुभूति का भी योगदान होगा। इस बार उनके पिता चौधरी अजीत सिंह का न होना भी महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी कुछ गेन कर सकती थी, मगर उसके सीट बंटवारे का पैटर्न बहुत बदलता नहीं दिख रहा, जिसे लेकर योगी अभी से हमलावर है। सबसे बड़ा हमला तो माफिया और मुस्लिम गठजोड़ को लेकर ही है। आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदसर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री शीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। मगर सबसे चौंकाने वाला है किसान आंदोलन के चेहरा बने टिकैत परिवार के स्टांस में आया बदलाव। परिवार के मुखिया नरेश टिकैत ने पहले कहा कि किसान सपा और आरएलडी वाले गठबंधन को समर्थन देंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से मुलाकात के बाद उनका रुख कैसे बदल गया, आप खुद सुन लीजिए। गठबंधन वाले आए और वहाँ किसान भवन में इकट्ठे हो रहे थे, वहाँ से कह दिया हमने भी भाई अपना इनका ख्याल रखो, सारी वो है बातचीत। पर एक जो किसान संयुक्त मोर्चे की हुआ है, हम थोड़ा सा उससे, उसका जो बंधन है उससे हम थोड़ा सा बोल पड़े फालतू, ऐसे हमें करवाने होता। हम संयुक्त मोर्चे थे, बगल नहीं है, किसान संयुक्त मोर्चा सर्वपरि है, वोट मांगने की बात यहाँ से कोई ना करे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारे ओपिनियन पोल के नतीजे क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन पूर्वांचल क्या कहता है? 124 सीटों वाला पूर्वांचल, जहां से गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ लड़ने जा रहे हैं, जहां वाराणसी भी है जहां प्रधानमंत्री मोदी की छाप है, जहां काशी विश्वनाथ है, और जहां आजमगढ़ भी है जहां से अखिलेश यादव यानी योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी इस चुनाव में वो सांसद हैं, तो वो पूर्वांचल कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करने में कामयाब हो पा रही है? इंडिया टीवी के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक पूर्वांचल कैसे योगी आदित्यनाथ का साथ देगा, ये आपको हम बताएंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे और तमाम रीजन्स में भले ही भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी गिरे, सीटें भी गिरे, लेकिन पूर्वांचल ही वो गढ़ है जो योगी आदित्यनाथ को वो करिश्मा करने में कामयाब करेगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया पिछले 37 सालों में दोबारा मुख्यमंत्री बनके। कुछ यही हाल उनके छोटे भाई राकेश टिकैत का भी है, जो पहले बीजेपी को हराने की बात करते थे, अब योगी को जीतने की शुभकामना दे रहे हैं, मगर एक राइडर के साथ विपक्ष मजबूत होना चाहिए। यहाँ तो मेला है, मेले में तो कोई आ जाओ। आप भाजपा के लोगों की बात सीधे तौर पे नहीं करते। भाजपा के कहाँ है, भाजपा के कोई आए तो आप स्वागत करेंगे? अरे आ तो जाओ, मैं कहाँ है, मैं स्वागत करेंगे, वे तो आ जाओ, वहाँ सबका ही स्वागत है, यहाँ तो आ तो जाओ। हमने कहा कि विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए, योगी जी को चुनाव लड़ना चाहिए, वहां से उनको जीतना चाहिए, विपक्ष मजबूत रहेगा, अपनी हाउस में बात उठाओगे तो विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर इलाके में समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं, अखिलेश यादव को गेन हो रहा है, वो बीजेपी को अच्छी चुनौती दे रहे हैं, मगर ये चुनौती सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें एक बड़ा योगदान अखिलेश के जातीय समीकरण का चुनाव है। ओम प्रकाश राजभर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, कृष्णा पटेल की अपना दल कमीरावादी जैसे छोटे दलों के साथ दोस्ती करके अपना बेस बढ़ाने की कोशिश में है। दूसरी मदद बीएसपी का मैदान से गायब होना भी है।
मगर अब भी बीजेपी के पास गैर यादव पिछड़ों का एक बड़ा सपोर्ट बेस है। गैर जाटव जातियां भी अखिलेश के पास जाने के मुकाबले बीजेपी को तरजीह देंगी। बीजेपी के पास केशव प्रसाद मौर्य जैसे फायरी ओबीसी लीडर्स मौजूद हैं जो अखिलेश को टक्कर दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो गुब्बारे में हवा एक तरह से भर जाती है, वो हवा निकलने वाली है और कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, पूरे विश्वास से कह सकता हूं ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो 2014 में थी, जो 2017 में थी, 2019 में थी, उससे भी खराब स्थिति में समाजवादी पार्टी 2022 में रही। आज मैं श्री अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो किसानों के जन्मजात दुश्मन हैं, उनके कुछ बयान पढ़ रहा था। उन्होंने प्रेस के माध्यम से कहा कि वो किसानों के बड़े हितैषी हैं, अगर वह हितैषी होते तो उनके शासनकाल में किसानों के हित में कोई काम तो हुआ होता। उनकी सरकार के समय में गन्ना का भुगतान तक नहीं होता था, मेरे किसानों की फसल सूख जाती थी, बिजली नहीं आती थी। 2017 में 94 सीट जीतने वाली बीजेपी को ओपिनियन पोल में 67 सीट ही मिल रही है। ये 124 सीटों वाला बड़ा रीजन है, मगर योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से चुनाव लड़ना अंतिम दौर में नतीजों में चमत्कारिक बदलाव वाला हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने योगी को गोरखपुर से खुद चुनाव लड़ने भेजा है। ये पूरे पूर्वांचल के लिए एक फैसला कुन दांव हो सकता है। यह सच है कि ओपिनियन पोल में टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। अखिलेश यादव निश्चित रूप से अच्छी टक्कर दे रहे हैं, मगर यह टक्कर इतनी बड़ी नहीं है कि योगी का रथ रोक दे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।